हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में बसंत का लेसन नंबर 7 यानी कि बसंत का लेसन 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक कविता है। ठीक है बच्चों, ये गीत है, सॉरी कविता नहीं, ये गीत है। और किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने। किसने लिखा है बच्चों? साहिर लुधियानवी ने। ये गीत है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना यानी कि इसमें कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बोझ का मतलब होता है बच्चों वजन या भार। यानी कहा गया है कि सब मिलकर के काम करना। एक आदमी जब अकेला काम करेगा तो वो थक जाएगा, इसलिए सबके साथ मिलकर के हमें काम करना चाहिए, यानी कि हाथ बढ़ाना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर बदने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, यानी कि हम जितने मेहनत करने वाले हैं उन्होंने मिलकर जब भी कदम बढ़ाया है, यानी कि एक साथ मिलकर के जब भी हम चले हैं, तो सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है, और पर्वत यानी पर्वत का मतलब होता है बच्चों पहाड़, पहाड़ जो है उसने अपना सिर झुका दिया है। क्या कर दिया है? सिर झुका दिया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी का मतलब होता है लोहे के समान मजबूत, यानी कि जो हमारे सीने हैं, जो हमारे सीने हैं वो लोहे के समान मजबूत हैं, और जो हमारी बाहें यानी भुजाएं हैं वो भी लोहे के समान मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, यानी कि अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी रास्ते पैदा कर दें, यानी कि चट्टानों में भी रास्ते बना दें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी एक साथ हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कर गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, ये कह रहा है मेहनत अपने लेख की रेखा। लेख का मतलब होता है बच्चों भाग्य, कि मेहनत जो है वो अपने भाग्य की रेखा होती है। मेहनत करोगे तो अपने आप सफलता मिलेगी। ये आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, देखो ये इस बच्ची इसको पकड़ा रही है, ये आदमी ऊपर पकड़ा रहा है इस बच्ची को, ये फिर इसको पकड़ा रही है, और ये बना रहा है, यानी कि काम जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बजाय इसके कि ये यहाँ से एक बार मिले जाएगा। अगर ये यहाँ से लेके जाएगा तो इसको बहुत टाइम लगेगा, पहले उतरेगा फिर लेगा फिर जाएगा। अब यहाँ से ये भर रहे हैं, या बच्ची भर रही है, या आदमी यहाँ पकड़ा रहा है, और ये एक साथ यानी कि कदम से कदम मिलाकर काम हो रहा है। कल गैरों की खातिर मेहनत से क्या डरना, यानी कि मेहनत जो है अपनी लेख की रेखा है, अपने भाग्य की रेखा है, तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल जो है हमने गैरों की खातिर की थी, मतलब कि दूसरों की खातिर हमने काम किया था, तो आज अपनी खातिर हमें काम करना है। हमारा जो सबका दुख है वो भी एक है, और हमारा जो सुख है वो भी एक है, यानी कि सुख में भी हम सब एक साथ रहें और दुख में भी एक साथ रहें। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो अपनी मंजिल है वो सच की मंजिल है, यानी कि हमारी मंजिल सच्चाई की मंजिल है, और हमारा जो रास्ता है वो नेक यानी कि ईमानदारी का रास्ता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि जब एक से एक मिलते हैं, यानी कि जब दरिया का मतलब होता है नदी, जब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहीं दूसरी जगह पानी इकट्ठा होगा, जब वो दोनों मिल जाएंगे, एक जगह और पानी इकट्ठा हो गया वो भी आके वहाँ मिल जाएगा, तो तीनों मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? नदी बन जाएगी, यानी कि एक एक करके सब उसमें मिल जाएंगे। तो एक से एक मिले तो जर्रा
जर्रा का मतलब होता है बच्चों कण, बन जाता है सहरा। सहरा का मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान, यानी कि एक से एक जब कण से कण मिलते हैं धीरे धीरे तो क्या बन जाते हैं, मान लो मिट्टी पहले थोड़ी सी इकट्ठी होगी फिर और आई तो यानी कि क्या बन जाता है, फिर रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई जो होती है वो आपने देखी होगी आपके घरों में, सरसों के छोटे छोटे दाने, ठीक है। बन सकती है पर्वत, पर्वत का मतलब आपको पता है पर्वत यानी कि पहाड़, तो मतलब यानी कि छोटी से छोटी सरसों के दाना ही बराबर है, छोटी सी वस्तु भी, मान लो पहले छोटा सा पत्थर होगा फिर थोड़ा और पत्थर वहाँ पे आके दूसरा मिलेगा तीसरा मिलेगा चौथा मिलेगा तो पहाड़ बन जाती है धीरे धीरे। तो वही कह रहे हैं कि एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, यानी कि राई जब एक से एक मिलती है तो क्या बन जाती है, पर्वत बन जाती है। और जब इंसान जो होते हैं वो एक से एक मिले तो इंसान, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो एक से एक मिलते हैं यानी कि एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, बस में कर ले किस्मत, तो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर लेते हैं, अपने भाग्य को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है बच्चों, आई समझ में। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, हमें प्यार प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। अब हम इस लेसन के शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है बोझ, बोझ का मतलब भार या वजन, पर्वत पहाड़ या पर्वत, शीश सिर, फौलादी लोहे के समान मजबूत, बाहें भुजाएं, राहें रास्ते, लेख भाग्य, गैर पराया या दूसरा, खातिर के लिए, नेक ईमानदार या भला, कतरा बूंद, दरिया नदी, दरिया का मतलब मैंने आपको बताया था नदी होता है, जर्रा कण, सहरा रेगिस्तान, राई राई मैंने आपको बताया छोटी सरसों का दाना या थोड़ी सी वस्तु, छोटी सरसों का दाना है थोड़ी सी वस्तु, इंसान मतलब मनुष्य और किस्मत का मतलब भाग्य, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, लेसन दोबारा से पढ़ना है समझना है और सभी क्वेश्चन ये जो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं, ठीक है बच्चों।